ये क्यूमिंस BS4 गाड़ी का टर्बो चार्जर है और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि टर्बो चार्जर में से अगर आवाज़ आती है तो वो क्यों आती है, हूँ या खड़खड़ की आवाज़ जब आती है, या हूँ की आएगी या खड़खड़ की या सीटी मारेगी तो वो होता क्यों है, क्या समस्या होती है टर्बो चार्जर में जो वो आवाज़ करता है। तो टर्बो चार्जर ये हम देख पा रहे हैं ये होल सेट का है, होल सेट क्यूमिंस गाड़ी में लगा है और BS4 3118 BS4 गाड़ी का है। तो ये आवाज़ करने का जो रीज़न है तो पहले इसकी संरचना देखते हैं, ये कैसा है और कैसे काम करता है, दिखता कैसा है और कैसे काम करता है। तो टर्बो चार्जर में हम ये बॉडी देख रहे हैं, ये पीछे जंग लगी जो बॉडी है ये कास्ट आयरन की है और ये कास्ट एल्यूमिनियम है, इसके अंदर थोड़ा मिक्सिंग किया हुआ है। तो ये आगे जो एल्यूमिनियम की बॉडी है उसे कंप्रेसर व्हील बोलेंगे, मतलब जब टर्बो चार्जर घूमेगा तो कंप्रेसर व्हील हवा खींचेगा और हवा देगा इंजन को। ये इस तरह से यहाँ से हवा खींचेगा और उसको कंप्रेस करके प्रेशर बना के हवा का यहाँ से देगा और इनटेक मैनिफोल्ड के पिस्टन के ऊपर हवा जाएगी, जिससे उसी डीजल में ज़्यादा हवा होने से डीजल अच्छे से जलेगा। मतलब अगर हमारी गाड़ी 120 हॉर्स पावर की है और उसमें टर्बो चार्जर लगा देते हैं तो वो सीधा 10 से 15 हॉर्स पावर बढ़ जाएगा, मतलब 120 से 130 या 135 हॉर्स पावर का इंजन हो जाएगा, 10 से 15 हॉर्स पावर बढ़ जाता है, जिससे हमें डीजल ज़्यादा नहीं देना पड़ता है लेकिन ज़्यादा हवा दे के उसी डीजल को अच्छे से जला सकते हैं। ये काम कैसे करता है तो ये धुआं जाने के बाद शाफ्टिंग के प्रोपलर में जो ब्लेड होते हैं उस पर धुआं टकराएगा, एग्जॉस्ट गैस उस पर टकराएगी और ये घूमने लगेगी शाफ्टिंग इसकी। तो क्या होगा कि टकरा के जब धुआं यहाँ से बाहर भी निकलेगा साथ साथ में शाफ्टिंग को भी घुमाएगा, जिससे आगे का शाफ्टिंग का जो भाग है वहाँ पर कंप्रेसर व्हील लगा है ये वाला। ये कंप्रेसर व्हील जो है वो हवा को यहाँ से खींचेगा और यहाँ से देना शुरू करेगा इंजन में, तो इस तरह से काम करता है। लेकिन गाड़ी अगर हम स्टार्ट रखेंगे और आइडल स्पीड पे होगी गाड़ी, मतलब चाल पे छोड़ देंगे, तो टर्बो चार्जर घूमेगा तो सही लेकिन वो काम नहीं करेगा। काम नहीं करने का मतलब हवा प्रेस नहीं करेगा। तो ये काम करने के लिए कम से कम इसको 1000 RPM या 1200 RPM पे जब इंजन घूमने लगता है तब इंजन की डिमांड, मतलब इंजन को ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है तब ये काम करता है, ये टर्बो चार्जर है। और दूसरा इसी में का टर्बो चार्जर आता है सुपर चार्जर, जो महंगी गाड़ियों में जैसे फोर व्हीलर्स में, बड़ी गाड़ियों में जो महंगी फोर व्हीलर हैं उनमें लगता है, और जो सस्ती वाली हैं उनमें तो यही टर्बो चार्जर लगता है थोड़ा छोटे साइज़ का। तो वो सुपर चार्जर होता है इंजन के गियर के साथ या इंजन में बेल्ट लगा के उसको घुमाया जाता है और वो गाड़ी को स्टार्ट करते ही काम करना शुरू कर देता है, जिससे हमने सुना होगा कि गाड़ी 3 सेकंड में या 5 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है, तो वो सुपर चार्जर में होता है। ये बड़ी गाड़ियों में टर्बो चार्जर लगेगा, टर्बो चार्जर 1000 से 1200 RPM पे ही काम करेगा। अगर हमारा टर्बो आवाज़ कर रहा है और हम गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो आवाज़ नहीं करेगा। आवाज़ करना कब शुरू करेगा, जब 1200 या 1100 RPM होगा इंजन का, तब वो हवा कंप्रेस करना शुरू करता है। और अगर हम एक्सीलेटर पूरा दे देते हैं, फुल एक्सीलेशन, पूरा एक्सीलेटर को दबा देंगे, इंजन का RPM 2700-2800 RPM पे जब इंजन घूमेगा तब ये पूरा काम करता है। उस समय इसका स्पीड 1.5 लाख RPM होता है, मतलब इंजन की स्पीड 2800 RPM होगी और टर्बो चार्जर की स्पीड 1.5 लाख पे चली जाएगी। और अगर रेस गाड़ी को हम अचानक बंद कर देंगे तो इंजन बंद होने के बाद भी इसकी स्पीड 50,000 RPM के आसपास होती है और 1 सेकंड के अंदर 25 RPM हो जाती है, 2500, और फिर धीरे धीरे कम होती है। मतलब ये जो है गाड़ी का इंजन बंद होने के बाद भी घूमते रहता है, तो अगर ये ख़राब है तो इंजन आप बंद करेंगे तो भी थोड़ी थोड़ी हवा या टर्बो चार्जर में कोई खामी है तो वो खुड़खुड़ की आवाज़ करेगा। अगर डिसबैलेंस होकर चल रहा है, शाफ्टिंग बेंड है, तो
तो इसको हम जरा चला के देखते हैं कि आवाज क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। टर्बो चार्जर में हम ये जो चेंबर देख रहे हैं और ये साफ्टिंग, उसका यहाँ पे पीछे बटरफ्लाई है, मतलब एक पर्दा है। तो वो पहले के शुरू के टर्बो चार्जर में नहीं आता था, और ये अभी मॉडर्न टर्बो चार्जर है। मतलब ये BS4 में तो है, लेकिन BS3 में भी सेम ऐसा ही आता है, और BS2 में भी सेम ऐसा ही आता है, BS1 में ये नहीं था। ये देने का कारण क्या है कि जब इंजन फुल स्पीड पे घूमेगा तो टर्बो चार्जर उसकी पूरी क्षमता पे काम करने लगेगा, और ज़्यादा हवा देने से पिस्टन पे ज़रूरत से ज़्यादा हवा का प्रेशर जाएगा, तो हमारा पाइप या मैनिफोल्ड में कोई भी गड़बड़ी आ सकती है। तो उस समय ये बटर यहाँ से कंप्रेसर व्हील में ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर यहाँ चला जाएगा और इसको दबा देगा। ज़रूरत से ज़्यादा होने पे यहाँ पे दबाएगा और ये बटरफ्लाई खुल जाएगा, जिससे टर्बो इंजन की स्पीड तो ज़्यादा रहेगी लेकिन टर्बो की स्पीड नियंत्रित होती है। यही BS4 में और BS6 में फ़र्क क्या है कि BS6 वाले में जो ब्लेड है वो एडजस्ट होता है, ये नहीं है। इसकी जगह एक मोटर लगा है जो टर्बाइन के ब्लेड को, मतलब पीछे वाले हाउसिंग के ब्लेड को एडजस्ट करता है। गाड़ी स्टार्ट करते ही अगर आइडल पे स्पीड है फिर भी हवा सही सही देगा। EVGT इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल जियोमेट्रिक टाइप का टर्बो चार्जर है BS6 में, और वो थोड़ा महंगा है। उसमें सेंसर भी आता है, एक सेंसर होता है कि कितना ब्लेड हमारा खुला हुआ है, वो ECM मॉनिटर करते रहता है, और एक मोटर होती है जो उस ब्लेड को घुमाने का काम करती है, जिससे ज़रूरत पड़ने पे अचानक हवा का प्रेशर बढ़ा भी सकता है ये टर्बो चार्जर BS6 वाला, और घटा भी सकता है। लेकिन ये जो चेंबर वाला है ये सिर्फ इसकी स्पीड घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। अब इसको हम घुमा के भी देख लेते हैं। ये साफ्टिंग आउट घूम रही है और खुड़खुड़ की आवाज़ आ रही है। ये थोड़ा हमारे कंप्रेसर में हवा का प्रेशर कम है, ये 1.5 लाख RPM अचीव नहीं कर रहा है। मतलब थोड़ा सा मारो, धीरे से थोड़ा सा, ये वाइब्रेशन हो रहा है और पंखा टेढ़ा चल रहा है। चलो बस, और ये साथ साथ में ये इसमें प्ले भी है ऊपर नीचे इस तरह से। शायद इसका कोर कट गया है, बीच का पूरा भाग नया डालना पड़ेगा। ऐसे तो इसका ये ब्लेड भी खराब हो गया है बॉडी में लग के, तो अभी इसको हम टर्बो वाले के पास भेजेंगे और देखते हैं क्या क्या डालेगा इसमें।